जय बोलो आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। जय बोलो शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। जय बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। कल्पवृक्ष महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री अनेकानंद सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख की ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम रसुरा सुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधींदवा साइना ये सर्वे जिन सिद्ध से उरनुगतास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च बन्धु गुरवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयम् पावनम मुक्ति श्री नगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्गप्रदः धर्मः सूक्तिसुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं चत्रविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम्। नाभेयादिदिनादिपार्श्वभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रशासस्य पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम्। देव्यो शौच दयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्त्रिदशाधिपाश्च शिशुरादिकन्यका चाश्रदा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम्। ये सर्वौषध दिध्यासुध पशो वृद्धि गता पंच ये चाष्टांग महानिमित कुशला योषो विधाश्चारणा पंच ज्ञान धरास्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धि रिद्धीश्वरा सप्तैते सकला चिता गणमृता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम्। कैलासे बृहस्पति निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणाम विचो जयंत शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर भावनामर ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बू शाल्मल चैत्य साक्षी तथा वक्षार रूप्यादिषु इस्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम। योगर्भावत्रो सवो भगवतां जन्माभिषेको सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाक यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवे सुरयस्ति शंकराणामुसाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराते ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वात रक्षामणि संसारो रग दर्पगारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतराग प्रभु आहारा भय भय सज सावधान दत्तावधानानाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालु धारण दीनानाम यात्रा प्रत्यसादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान सात सरोद सात वादन मधोत्कर मधुकर समावर्णा नाम निज कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वरा विजय के सर्वे जना सावधाना भवंतु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंदामी माता जी प्रातः के 6 बज चुके हैं। राजधानी दिल्ली में पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में एवं आचार्य श्री अनेकानंद सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक महाशांति धारा होती है एवं पूज्य माता जी के मंगल उद्बोधन प्रवचन आशीर्वचन आप सभी को प्राप्त होते हैं। उसी श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। तो
जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भत निर्जन यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करुण नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम वम वम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोर्ते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामी नमोर्ते स्वाहा। उदग चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुधु भुफलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर वचन इसके सदृश हों। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम वम वम हम सम तम पम झम झम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोर्ते भगवते श्रीमते नाली के रसाभिषेकम करो मी नमोर्ते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण युद्ध रस टिक चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिजकर्ण रसाय नमः। ओम रीम श्रीम क्लीम वरम वम वम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोर्ते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्ट करिए घृत तप्तिकारी संताप दूर कर शेकांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु अतल शक्ति बड़े इसी से। ओम रीम श्रीम क्लीम वरम वम वम हम तम तम पम झम झम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोर्ते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करूमि नमोर्ते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सतांक किरणों सम कांतिदार है ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामदेन समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम रीम श्रीम क्लीम वरम वम वम हम सम तम पम झम झम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोर्ते भगवते श्रीमते दुग्धे नपसेच्यामि नमोर्ते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधि पय हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगल में निसौख्य पाऊँ। ओम रीम श्रीम क्लीम वरम वम वम हम सम तम पम झम झम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोर्ते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सु चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रहे तु करु नमन में। ओम रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्य कार्य मांगल द्रव्य ब्रह्म सिद्ध कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश नमोर्ते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश लाभिषेकम करो मी नमोर्ते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम रीम चंदना लेपनम करो मी नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम रीम पुष्पवृष्टि करो मी नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्ष मनोहर पुष्पदीप ही पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महता दृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा तिकम तो विवोर होता मित्र मंगल आरती ओतणम। उदग चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुधु भुफलार की कई धौल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंदाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम रीम श्रीम क्लीम वरम वम वम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोर्ते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशे नपसेच्यामि नमोर्ते स्वाहा। उदग चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फुफलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पूर्ण कलशेन सुगंधि जले नपसेच्यामि नमोर्ते स्वाहा। ये अभिषेक आपने आज परंपरा आगम परंपरा एवं चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जो इस 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य हुए हैं और जिन्होंने दक्षिण से उत्तर की यात्रा करके और मुनि मार्ग को प्रशस्त किया आज उनकी कृपा प्रसाद से लगभग 1600 दिगंबर जैन संत सारे देश के अंदर विचरण कर रहे हैं। पूजगणनी ज्ञानमती माता जी का भी आज बहुत ही पवित्र दिन है। अतुल जी माता जी ने आज भादो बदी चतुर्थी
आदि चतुर्थी। आज के दिन सन 1952 में घर से टिकैत नगर से बाराबंकी गई थी और ये कह के गई थी कि शाम को वापस आएंगे। उसके बाद बिना पिच्छी के माताजी शाम को वापस नहीं आई, वो शाम नहीं हुई। तो आज का दिन माताजी के जीवन का 69 वर्ष व्यतीत हो गए, 69 ईयर्स। आज 70वां वर्ष है जिस दिन पूज्य माताजी ने गृह का परित्याग किया था, अर्थात त्याग और संयम का आज माताजी का 70वां जन्म दिवस है, एक प्रकार से त्याग दिवस है। तो ऐसे गणनी ज्ञानमती माता जी का पावन दिन है और हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन आज इनका जन्मदिन है। इन्होंने अपने जीवन के 44 वर्ष पूर्ण करके सन 1977 का इनका जन्म दिन है। तो आज इन्होंने अपने जीवन के 44 वर्ष पूर्ण किए हैं और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सान्निध्य में लगभग 16-17 साल से रह करके धर्माराधना और संसार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब शांति धारा हम लोग प्रारंभ करते हैं। हमारे जैन सभा के पदाधिकारीगण श्री अतुल जैन, राकेश जैन, विनोद जैन है और इधर से हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन संघ से हैं। तो अब शांति धारा प्रारंभ करते हैं। जिन महानुभावों ने पूरे भाद्रपद के महीने में शांति धारा के लिए अपने नाम दिए हैं उनके नाम भी यहाँ पर शांति धारा में रहेंगे, उनके सुख समृद्धि की मंगल कामना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नाशे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व प्रकट छिद्रोपद विनाशाय सब श्याम नाम नाथ ओम राम रीम रूम रोम राशियो नमः। आचार्य ने कान सागर महाराज चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनिता जैन अस्य जैन, संघपति श्रीमती अनामका निकुंद दिव्यान जैन, श्रीमती अंतिमा मानव अगम सिद्धांत जैन, प्रीत ब्यादि निर्वासित परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, रिचा जैन, अक्षर जैन, नंदिनी जैन, टीएमयू मुरादावास परिवार से संघपति श्री जिंदाज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेव परमांगी दुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र, ऋषभदेव ट्रस्ट के पदाधिकारीगण सदस्यगणस्य श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली सपरिवार से श्री डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन सपरिवार से आज के एक दिवसीय शांति धारा के श्री ऋषभ जैन बलबीर नगर दिल्ली स्वास्थ्य लाभार्थ एवं सुख समृद्धि हेतु सपरिवार से अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा के पुण्याजक परिवार श्रीमती मनोरमा देवी, नरेंद्र कुमार, राहुल जैन पांड्या जयपुर मुंबई निवासी सपरिवार से प्रतिदिन के शानदारा के पुण्याजक परिवार श्री दाल मलजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन, रुचि जैन इंदौर, श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन, अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन, श्री सुभाष चंद जैन, शुभचंद जैन, सुयश जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार से श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, आशो निशासी दीतिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री मुकेश जैन धर्मपत्नी अनीता जैन, श्री मयूर जैन, श्रीमती पलक जैन, मयंक जैन ठेकेदार नासिक, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय, श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद से परिवार से श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्यस्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतु सेठी चांदनी अभिषेक पाटोली शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रामशरणिया सेठी डीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसाहीना माही पुण्या चार बीबी रपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वाले पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैम श्याम एनक्लेव दिल्ली
डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोली परिवार हैदराबाद श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन रहमान इच्छा जैन प्रीत ब्याह दिल्ली श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि प्रणति अस्य परिचित नाम का सौरभ सत्सा सतरार सेठी कलकत्ता श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल सपरवार श्री गंधर्व जैन संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन अधि जैन गणधर जैन डालमिया दरियागंज सिविल लाइन दिल्ली सपरवार एक माह के पुण्यादक परिवार शांतिधारा के श्री आस्था अर्चित जैन पी के जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या जस्वी जैन बंगला विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा निवासी सपरवार श्री देवेंद्र कुमार जैन ऋतु जैन सिद्धार्थ जैन अकत जैन संजना जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरवार श्री सचि जैन कपिल जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरवार श्री आयुष्मती जी सावित्री देवी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज गोदा लाजवंती रंजना प्रीति भवनी देवी मंजू नब्या मोनिका जी जैन ऋषिदास जैन जवाहरनगर जयपुर राजस्थान सपरवार श्री धनराज जैन पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अनूप देवी जैन श्री राजेंद्र कुमार मधु देवी संभव पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम निवासी सपरवार श्री सुशील जैन श्रीमती शशि जैन श्री आलोक रिया रिचा अश जैन देहरादून उत्तराखंड सपरवार श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सपरवार पूरे भाद्रपद माह के पुण्याजक परिवार श्री कनकमल नर्मदा देवी नागदा श्री हजारीमल गिरजा देवी महावीर आशा गौरव मयूरी शीतल पीयूष नीलम राहुल कविश ग्रीष्मा लेका लोकांश दिव्यांशी उदयपुर राजस्थान सपरवार श्री ललित मीतेश अखिलेश अंकित अग्रवाल परिवार दान मंडी उदयपुर राजस्थान सपरवार श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीसु जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली सपरवार श्री चक्रेश कुमार श्रीमती कमलेश जैन पांडव नगर दिल्ली सपरवार श्री ललित कुमार जैन सीए अजित कुमार एडवोकेट पांडव नगर दिल्ली सपरवार डॉक्टर सचेंद्र कुमार श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन डॉक्टर विवेक डॉक्टर अंशु जैन प्रणव लवित जैन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश सपरवार श्रीमती रेखा जैन एसपी जैन नीरज जैन डॉक्टर दिव्या जैन मास्टर आरुष जैन सरता बिहार दिल्ली सपरवार माता श्री चांद तारी की पुण्य स्मृति में श्री हेमचंद धर्मचंद सुरेश चंद जैन हौसखास दिल्ली सपरवार श्री संजय दीवान श्रीमती रेखा जैन श्री तीर्थेश मोक्षा जैन दीवान परिवार सूरत सपरवार श्री देवेंद्र कुमार दीपेश जैन सूरतमल बिहार दिल्ली सपरवार श्री विजेंद्र जैन सुषमा जैन डॉक्टर किमसुकी जैन तेजस जैन ग्रेटर कैलाश दिल्ली सपरवार श्री सुरेश कुमार मीरा देवी अभिषेक सोनम अंकित संस्कार जैन बेलदा सपरवार श्री प्रमोद कुमार जैन योगेंद्र जैन कुमारी पुण्या सम्यक जैन रांची झारखंड सपरवार श्री जीवन मल पांड्या की पुण्य स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका हार्दिक खुशी पांड्या कृष्णी ग्वालपाड़ा आसाम निवासी सपरवार सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सपरवार सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी रसनावरण कर्म छिंदी कर्म छिंदी मोहनीय कर्म छिंदी आयु कर्म छिंदी नाम कर्म छिंदी कर्म छिंदी अंतराय कर्म छिंदी क्रोधम छिंदी मानम छिंदी मायाम छिंदी लोभम छिंदी मोहम छिंदी रागम छिंदी विषम छिंदी भयम छिंदी भयम छिंदी भिन्न बिंदी सर्व अग्नि भयम छिंछिंदी भिन्न भिन्न सर्व सर्प भयम छिंछिंदी भिन्न भिन्न सर्व युद्ध भयम छिंछिंदी भिन्न भिन्न सागर नदी जल भयम छिंछिंदी भिन्न भिन्न जलोदर भगंदर कुश कामलादि भयम छिंछिंदी भिन्न भिन्न निग्धादि बंधन भयम छिंछिंदी भिन्न वायुयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी भिन्न भिन्न सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी भिन्न भिन्न सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी भिन्न भिन्न सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी भिन्न भिन्न सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी भिन्न भिन्न सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी भिन्न भिन्न सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम छिंछिंदी
सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिन्न सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिन्न सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकि साकिन्यादि भयम छिन्न धनादि भयम छिन्न सर्व व्यापार हानि भयम छिन्न सर्व राज भयम छिन्न सर्व चौर भयम छिन्न सर्व दुष्ट भयम छिन्न सर्व शत्रु भयम छिन्न सर्व शोक भयम छिन्न सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिन्न सर्व भैरम छिन्न सर्व दुर्भिक्षम छिन्न सर्व मनोव्याधिम छिन्न सर्व आत्मरोध ध्यानम छिन्न सर्व दुर्भाग्यम छिन्न सर्व अयसः छिन्न सर्व पापम छिन्न सर्व अविद्याम छिन्न सर्व प्रत्यवायम छिन्न सर्व कुमतिम छिन्न सर्व भयम छिन्न सर्व क्रूरग्रह भयम छिन्न सर्व दुःखम छिन्न सर्व पाप मृत्यु छिन्न ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जयंत अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा महावीर सन्मति वीरात वीर बनमाना अलंकर श्री महावीर साधन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम आद्यानामादि जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशिली तीर्थ क्षेत्रे विसंवत 2547 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधीमान अयम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आर्का श्राव सौकाणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम देव शांति ने स्वच्छ भिक्षम कुरु कुरु मना समाधि कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनं कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुष द्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्य कतोबरी शांदाराम ग्रंथ चतुर्भिसंगस्य आचार्य अनेकान सागर महाराज चतुर्भिसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानु चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारण कुरु कुरु आरोग्य लाभ मित लाभ चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जय बोले ऋषभ देव भगवान की जय भरत भगवान की जय उदक चंदन तनलोल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई नवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीं शांति धारा से कम करो मेरे घम नृपामी ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निध भव दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। ओम ह्रीं शांति आचार्य शांति सागर धाम सम्य शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान एवं चंपापुर भागवतपुर में विराजमान जन्मभूमि में 31 फीट के वासपूज भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंतिनाथ अरनाथ 31 फीट के भगवान उनके चरणार्विंद में जलार्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी स्वाहा। ओम ह्रीं कल्पवृक्ष महावीर भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। भरत भगवान का एक अर्घ्य चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेश्वरी प्रभु को वंदन है। दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। तीर्थ भरत ज्ञान शली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीं भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर से कनाट प्रेत स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान शली तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरी एवं ह्रीं में विराजमान चतुर्विंशति तीर्थंकर रत्न की प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। उदक चंदन तनलोल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ्य के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे। ओम ह्रीं चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्यान सागर अभिनंदन सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। उदक चंदन तनलोल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ्य के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामेरे। ओम ह्रीं आचार्य श्री अनेकान सागर महाराज ससंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारिचंद का भारत गौरव गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी ससंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा।
नमोसु महाराज जी, नमोसु नमोसु। बंदामी माता जी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है, ये भाद्रपद का महीना चल रहा है, पूरे भाद्रपद के अंदर 16 कारण व्रत, 10 लक्षण व्रत पर्व, पंचमेरु पर्व, रत्नत्रय पर्व, अनंत चतुर्दशी पर्व आदि पर्व आ रहे हैं। इन सभी पर्वों में आपके परिवार के सुख समृद्धि शांति के लिए शांति धारा हो, इसके लिए मात्र आपको 11,000 रुपये ये दान राशि निकालना है। और ये न्यौछावर राशि आपको जो नंबर सामने आपको दिख रहे हैं, जम्बूदी भसनापुर के नंबर हैं, इस नंबर पे आप अपनी सूचना देंगे, केवल 11,000 रुपये की राशि दे करके प्रतिदिन आपके परिवार के नाम यहाँ शांति धारा में लिए जाएंगे। आपको ये सौभाग्य होगा कि आपके परिवार की ओर से शांति धारा हो, आपके घर में सुख शांति हो, घर बैठे इन 16 कारण यानी भाद्रपद के महीने का धर्म लाभ आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप अपना नाम दे सकते हैं। और इसके साथ भरत चक्रवर्ती का विशेष अभिषेक रविवार को प्रातः 7:30 बजे से, दिल्ली वासियों की सुविधा के लिए देर से उठते हैं, इसलिए दिल्ली वासियों की सुविधा के लिए 6 बजे से 7 बजे तक तो ये अभिषेक होगा ही, लेकिन आप सबकी सुविधा के लिए 7:30 बजे से हम विशेष अभिषेक रखेंगे, शांति धारा होगी। जो भी महानुभाव आएंगे यहाँ पर आराम से 7:30 बजे से 8 बजे तक विशेष अभिषेक करने का, भरत चक्रवर्ती के मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का पुण्य अर्जित कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी 51,000 रुपये की राशि अभिषेक के निमित्त से अथवा तीर्थ विकास के निमित्त से प्रदान करेंगे इस क्षेत्र को, उनका नाम यहाँ पर हजारों साल तक शिलालेख पर तीर्थ के निर्माण के शिलालेख में अंकित रहेगा। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। अब हम वृतज्ञ और आपको ले चले। अब ओम ह्रीम अरहम विनय संपन्नता भावनायै नमः। ओम जयम श्री विनय संपन्नता भावनायै नमः। ओम ह्रीम पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीम पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। हाँ, दिन मुखावलोकन का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम त्रैलोक्य वशंकर। ओम त्रैलोक्य वशंकराय। ओम त्रैलोक्य वशंकराय। केवल ज्ञान प्राप्ताय। केवल ज्ञान प्राप्ताय। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। ओम श्री ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। ओम संसार परिभ्रमण निवारकाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। धर्णेन्द्र फणा मंडल मंडिताय। धर्णेन्द्र फणा मंडल मंडिताय। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ओम राम ह्रीम रूम रोम रास्यावसा नमः। ओम राम ह्रीम रूम रोम रास्यावसा नमः। सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज हमारे जीवन का एक महान महत्वपूर्ण दिवस। आज के दिन मैंने भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना करके जो घर छोड़ा था, उस सफलता में मैं उन्हें भगवान पार्श्वनाथ को टिकैत नगर मेरी जन्मभूमि विराजमान मंदिर में, दिगंबर जैन पार्श्वनाथ, दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर में विराजमान मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ, उन्हें अतिशयकारी अतिशय चमत्कारी तीर्थंकर भगवान के रूप में मैं हमेशा मानती आई हूँ। उनके सामने जो आज मैंने नियम किया था, अभी उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। ऐसे उन भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में हम और आप भावों से टिकेतनगर पहुँचे और ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, महत्वपूर्ण विषय आप देख रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, महत्वपूर्ण अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान। हुआ क्या था कि मैं जब सन 1952 में मेरे मन में विरक्ति आई थी, विरक्ति तो बचपन से ही चल रही थी, और
दस बारह वर्षों से ही मैं बराबर घर में वैराग्य की चर्चा करती थी, दीक्षा की चर्चा करती थी। और जब इस पर सबको निर्णय हो गया था कि वे नहीं मानेगी, घर से जाएगी ही, आचार्य देशभूषण जी महाराज टिकेंद्र पहुँचे थे। मैंने निकलने का प्रयास किया, लेकिन मेरे पिता के बड़े भाई जिन्हें बब्बूमल जी नाम था, उन्हें वो मेरे को उस समय जब मैं 17 वर्ष की थी, मुझे पीठ पर लाद करके 1 किलोमीटर दूर से वापस ले आए थे। मैं महाराज के पीछे पीछे जा रही थी। आचार्य श्री का विहार हो गया था, बाराबंकी में चौमासा हुआ। और आज के दिन योगा योग से श्रावण कृष्णा कृष्णा थी श्रावण कृष्णा एकम को है नहीं मार्ती का जन्म श्रावण कृष्णा 11 को मेरी माँ की प्रसूति हुई थी। और घर की व्यवस्था सब बचपन से मैं अपने बड़े भाई अपने छोटे भाई वगैरह सबको संभालती थी। दादी भी थी, सभी थे परिवार के लोग, भुआ आदि। और उस समय 1 महीना महिलाएं प्रसूति गृह में ही रहती थी, तो माँ चूँकि प्रसूति गृह में एक प्रकार से थी। और 22 दिन बाद उनका चतुर्थी स्नान कराया गया और मैंने उनको समझा बुझाकर उस दिन, आज के दिन मेरे पिताजी जो थे बहुत मोहित थे और घर से नहीं निकलने देते थे किसी भी हालत में। तो वो कुछ कारणवश बाहर गए हुए थे त्रिलोकपुर। मैंने मौका अच्छा देखा और अपने माँ को समझा बुझाकर कहा कि मैं आचार्य महाराज के दर्शन करने जा रही हूँ बाराबंकी, कुछ रत्नकरण श्रावकाचार्य द्रव संग्रह याद किए उनको सुनाऊँगी, परीक्षा दे के आऊँगी गुरु के पास, शाम को वापस आ जाऊँगी। और कैलाश को साथ में लिया, छोटा भाई, चूँकि बिना एक किसी साथ के भाई हो चाहे बहन, उसके लिए बगैर बाहर नहीं, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे उस जमाने में, दरवाजे के बाहर ही नहीं निकलने देते थे लड़कियों को। तो कैलाश को साथ लेकर और बस में बैठ करके बाराबंकी पहुँची आज के दिन। और माँ से कहकर गई थी मैं शाम को वापस आ जाऊँगी। और भगवान के सामने मैं पहुँची मंदिर में, और मैंने भगवान के सामने चावल के पुंज चढ़ा करके और भगवान के सामने मैंने निवेदन किया, भगवान के चरण छू करके। उस समय हमारे आज भी टिकैत नगर में बराबर सब महिलाएं बालिकाएं सब लोग वहाँ अभिषेक पूजा आदि करते हैं, भगवान के चरण स्पर्श भी करते हैं और अभिषेक भी करते हैं। पुरानी परंपरा ही चली आ रही है, बचपन से ही मैंने देखा है, वहाँ पाया, आज भी वही परंपरा है। तो भगवान के चरणों का स्पर्श करके और 1 कलश जल का अभिषेक करके और मैंने भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना की कि हे भगवान, आपके श्री चरणों में मैं आज प्रार्थना कर रही हूँ। अब मैं आज बाराबंकी जा रही हूँ और घर में कहकर जा रही हूँ कि मैं शाम को वापस आऊँगी, किंतु आपके सामने मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान, अब पिछका लेकर के मयूर पंखी पिछका लेकर के संयम लेकर के ही आपके दर्शन करूँ, आए मेरी मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। और भगवान के श्री चरणों में बार बार मस्तक टेक कर नमस्कार करके मैं आकर घर में माँ को पुनः आश्वस्त करके भाई को साथ में लेकर के और बस से बाराबंकी पहुँची। बाराबंकी में जाकर भी भगवान के महा पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए, चंद्रपुर भगवान के दर्शन किए मंदिर में, और आचार्य महाराज के दर्शन करके वहाँ बगीची में एक छोटा सा मंदिर है, उसमें चतुर्मुखी प्रतिमा विराजमान है, वहाँ जाकर बैठ गई। और चूँकि हमारे पिताजी की वहाँ भुआ का घर था और माँ की मामा का था, तो पिताजी हमेशा कहा करते थे, भुआ के घर में जाकर ठहरते थे। उनकी भुआ के घराने की महिलाएं आईं, कपूर चंद जी करके थे उनकी पत्नी, और हाथ पकड़ा, चलो बेटे घर चलो खाना खाने के लिए। सभी के घर में प्राय चौके होते थे, आचार्य श्री का आहार हुआ, मैंने आहार दिया और घर में भोजन किया। तो घर में भोजन करने किसी के घर में भी जाया करती थी अधिकतम। और रात्रि में कपूर चंद जी की पत्नी जो थी, जिन्हें मैं भाभी कहती थी, वो आकर के मेरा हाथ पकड़ कर ले जाती थी। रात में उनके उन्हीं के पास मैं सोती थी और मेरे पास अपने पास ही मुझे सुलाती थी। और प्रातः स्नान से निवृत्त होकर आ जाती थी, दिन भर मंदिर में ही रहती थी और आचार्य श्री से कुछ अध्ययन आदि थोड़ा बहुत कर लेती थी, स्वाध्याय आदि गोमर सार जीवकांड आदि का। तो शाम को जैसे तैसे कैलाश को समझा बुझा कर वापस किया कि मैं 2-3 दिन बाद आना, ले जाना मुझे, चली गई। और मैं
किसी भी हालत में घर के लोग आते रहे नहीं गई। शरद पूर्णिमा के दिन चतुर्दशी आश्विन शुक्ला चतुर्दशी को आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज का केशलोत था। बहुत धूमधाम से और लगभग 500 से अधिक हजार लोग कर लगभग शायद उपस्थित थे और बाहर में छोटा सा पांडाल बनाकर अब से और खुले मैदान में महाराज का केशलोत हो रहा था। कानपुर के लखनऊ के आसपास के अवध प्रांत के सभी लोग खूब उपस्थित थे, खूब भीड़ थी। आचार्य श्री का केशलोत होते होते चतुर्दशी को मैं स्वयं वहाँ बैठ करके और अपने केस उखाड़ने लग गई, बड़े बड़े केस, और एकदम हाहाकार हल्ला गुल्ला मच गया। और मेरे माँ पिताजी वगैरह भी आए थे, वो माँ तो बेहोश होकर गिर गई, उसकी गोद में मालती जिसका नाम है यहीं दिल्ली में है, वो गोद में बैठी थी, वो भी गिर गई, लोगों ने संभाला। खैर हम तो केशलोत करते रहे। तो जब बहुत हंगामा हुआ, काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा और यहाँ तक कि लोगों ने कहा पुलिस को बुलाओ, लड़की को पहुँचा दो थाने में। यहाँ तक हल्ला गुल्ला मचा, पुलिस भी आ गई और पुलिस बोली, पुलिस के लोग बोले ये मेरा विषय नहीं है, मैं बालिका को हाथ नहीं लगा सकता, जो भी है परिवार के लोग निपटेंगे, ये तो कोई साधु बनना चाहती है वो, मैं क्यों इसमें हाथ डालूँ। वो लोग भी बाहर खड़े सब देखते रहे दृश्य। आचार्य श्री पशु बहुत ही असमंजस में पड़ गए, क्या किया जाए, काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो आचार्य श्री ने मेरी माँ के उस समय वहाँ मामा थे और उनका नाम था बाबू राम जी, वो सामने खड़े हुए थे, बोले कोई हाथ नहीं पकड़ता है, लड़की का सब डरते हैं। उस समय उस जमाने में कोई लड़की का हाथ नहीं छूता था, सब डर रहे थे। तो वो बोले आप तो इनकी माँ के मामा है ना, तो आप क्यों संकोच करते हो, आप हाथ पकड़ लो, रोक लो, केशलोत रोक दो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, केशलोत रोक दिया। आचार्य श्री का प्रवचन समाप्त हुआ, हल्ला गुल्ला शांत हुआ और मैं जाकर के मंदिर में भगवान चंदापुरु की वेदी में बैठ गई और सत्याग्रह कर लिया, अनशन कर लिया कि अब मैं घर का त्याग संयम ग्रहण करके ही घर जाऊंगी। तो भव्यात्माओं आज का दिन वो था कि आज के दिन भाद्रपद कृष्णा एकम के दिन, मैं चतुर्थी के दिन भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी, आज भी तक वो तिथि हमें याद रहती है। जब वो तिथि आती है तो भगवान पार्श्वनाथ अवश्य याद आते हैं और पार्श्वनाथ के चरण युगल याद आते हैं, पार्श्वनाथ भगवान की मनोकामना सिद्धिकारक प्रतिमा और चमत्कार याद आता है कि भगवान पार्श्वनाथ ने मेरी प्रार्थना कैसे स्वीकार की थी, कैसे पूर्ण की है। भव्यात्माओं उन पार्श्वनाथ भगवान को मैं अतिशयकारी मनोकामना सिद्धिकारक पार्श्वनाथ मानती हूँ और सभी मानते हैं और सभी उनके चरणों में जो भी प्रार्थना करते हैं मैं देखती हूँ अधिकतम पूर्ण होते ही होते हैं। ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवंतों को कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए, नमस्कार करते हुए, आटिकेन्द्र के भगवान पार्श्वनाथ को भी स्मरण करते हुए, नमस्कार करते हुए और सभी पार्श्वनाथ भगवंतों के सभी भगवंतों के चरणों में नमन करते हुए और आचार्य देशभूषण जी महाराज जो मेरे लिए उस समय अवलंबन बने उनको भी नमोस्तु करते हुए और उस समय इतिहास पुनश्च आपको कल भी सुनाएंगे कैसे उस समय मेरी माँ मोहिनी ने मुझे साथ दिया और क्या घटनाएँ घटी अघटित आदि। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगी कि आज का दिन मेरे जीवन में बहुत ही मैं महत्वपूर्ण मानती हूँ कि मनोकामना सिद्धिकारक आज का मेरा दिवस मेरे जीवन में मंगलमय हो। सन 1952 का वो दिवस, आज 69 वर्ष हो गए, निराबाद भगवान पार्श्वनाथ के चरणों का स्मरण करते हुए निराबाद मेरा संयम चल रहा है। भगवान पार्श्वनाथ मेरे संयम को, मेरे जीवन को निर्विघ्न निराबाद अंतिम क्षण तक पहुँचाएँ। उनके श्री चरणों में दुखक हो, कम्मक हो, बोहिला हो, सुगे गमनम, समाय वर्णम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, इसी भावना के साथ पुनः पुनः टिकैत नगर के सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीर्वाद और हमारी रत्नवती माता जी जहाँ हों उनका स्मरण करते हुए पुनश्च आरिका दीक्षा देकर उन्होंने अपने समाधिपूर्वक शरीर छोड़ा है, इसी माँ रत्नवती जन्मदात्री का स्मरण करते हुए और आज भगवान पार्श्वनाथ के पुनः पुनः उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, यहाँ भगवान विराजमान पार्श्वनाथ उनके चरणों में नमन करते हुए, जहाँ जहाँ भगवान पार्श्वनाथ विराजमान सबके चरणों में नमन करते हुए
और आचार्य श्री को नमस्कार नमस्तु करते हुए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज का विशेष प्रसंग है भगवान पार्श्वनाथ टिकैत नगर के आप लोगों ने दर्शन किए और एक जो चित्र आपने देखा अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना के बारे में आपको बताना है कि अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना का ही फल ही मैंने प्राप्त किया। अभीक्षण ज्ञानोपयोग का अर्थ है कि निरंतर शास्त्र का अभ्यास करना, जिनागम का, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अभ्यास करना, पढ़ना पढ़ाना। तो उसको पद्मनंदी पंचविंशति का आदि ग्रंथ को पढ़कर ही मैंने वैराग्य प्राप्त किया था और ग्रहताग की भावनाएं भाई थी पाई थी और संयम निधि मुझे स्वाध्याय के फलस्वरूप ही मिली है। यह अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना भी हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ पुनः पुनः आप सबको बहुत बहुत मंगल आचरण। माता के चरण प्रक्षाल करें। अभी आपने एक चित्र देखा ज्ञानमती माता के जीवन का, शायद वो पहला ही चित्र था जब सन 1952 में पूरे घर के लोग उस समय इकट्ठे हुए होंगे। माँ मोहिनी जी गोद में मालती जी को लिए हुए हैं, छोटी सी पुत्री थी। शरद पूर्णिमा के आसपास का ये चित्र और रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जो आज आपको दिख रहे हैं, ये 2 साल के बालक थे, वहीं पर खड़े हुए हैं। जो भी भाई बहन थे वहाँ थे, पिताजी और माँ। तो आज के पावन प्रसंग पर पूज्य माता का विशेष चरण प्रक्षाल स्वामी जी कर रहे हैं और जीवन प्रकाश जी, डॉक्टर जीवन प्रकाश जिनका आज जन्मदिन है, वो भी चरण प्रक्षाल करें। चरण प्रक्षालन कर लो जी, चरण प्रक्षालन कर लो रे, ज्ञानमती माता के चरण प्रक्षालन कर लो रे, चरण प्रक्षालन कर लो रे, चरण प्रक्षालन। इस पावन वसुंधरा ने जब ब्राह्मी माता मांगी, तब ज्ञानमती माता ने आ उनकी प्रथा संभाली। मात पद वंदन कर लो रे, मात पद वंदन कर लो रे, सच्चे सुमन से भक्ति कुसुम से अर्पित करो अंजलिया, मात पद वंदन कर लो रे। आज टिकैत नगर में भी भक्तगण वहाँ भगवान पार्श्वनाथ का 1008 कलशों से अभिषेक कर रहे हैं और आज के दिन पूज्य माता ही बाराबंकी पहुंची थी। बाराबंकी में भी फोन कराया है, वहाँ के चंदा प्रभु भगवान और समो शरण में विराजमान बगीची के भगवान का भी अभिषेक और विशेष पूजा अर्घ्य समर्पित करेंगी वहाँ की महिला समाज की प्रमुख श्रीमती शीलू जैन, तो हमने ये कहलाया है। तो आज वह भी क्षण आया, टिकैत नगर के भगवान पार्श्वनाथ के लिए अर्घ्य चढ़ाइएगा। है कोई अर्घ्य चढ़ाने के लिए? ओम रीम मनोकामना सिद्धिकारक चिंतामणि, टिकैत नगर के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान के चरणारविंद में अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। दूसरा अर्घ बाराबंकी के चमत्कारिक भगवान चंदा प्रभु के चरणों में, ओम रीम बाराबंकी में विराजमान चमत्कारिक चंदा प्रभु भगवान के चरणारविंद में एवं समव शरण में विराजमान चतुर्मुखी जिन प्रतिमा के चरणों में अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। आचार्य श्री देशभूषण महाराज के लिए भी अर्घ चढ़ा लीजिए, जिनके चरणों में जा करके इन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार को सुनाने का एक संकल्प किया था और ग्रह कूप से निकलकर इन्होंने त्याग मार्ग में कदम रखा। ओम रीम भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण महाराज के चरणारविंद में अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। और आप पूजगणनी ज्ञानमती माता के लिए विशेष अर्घ चढ़ाइए। आज 70वां ये मनोकामना सिद्धि दिवस मैं इसको मानती हूँ। ग्रह त्याग सप्तम प्रतिमा शरद पूर्णिमा के दिन भी 70 साल हो जाएंगे, लेकिन आज वास्तव में जो इन्होंने मनोकामना पूर्ण की थी, संत समूह मान सरोवर की राजहंसिनी माता, संत समूह मान सरोवर की
राजहंसिनी माता, ज्ञानमती माता के पद में सभी झुकाते माथा। प्रथमाचार्य शांति सागर की हो, प्रथमाचार्य शांति सागर की प्रतिनिधि को वंदन है, सौ सौ बार नमन है। ज्ञानमती माता के पद में अर्घ करूं अर्पण है, अर्घ करूं अर्पण है, सौ सौ बार नमन है। ओम रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज के साक्षात दर्शन करने वाले उनकी उनके प्रथम शिष्य आचार्य प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महाराज से दीक्षा लेने वाली एकमात्र चिरकालीन दीर्घकालीन दीक्षित गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के मनोकामना सिद्धि दिवस पर आज विशेष महार्घ्यम निरपामीति जलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। और यहाँ डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने भी अर्घ समर्पित किया, तो उन्होंने विशेष अर्घ समर्पण कर किया और पूज्य माता की चरण प्रक्षाल किए हैं। तो बंधुओं, आज जीवन का जन्मदिन है, उनका तारीख से लीजिए डॉक्टर जीवन प्रकाश, आइए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के संग में। सन 2003-04 से लगभग ये ज्ञानाराधना कर रहे हैं, पूज्य माता की शिष्यता स्वीकार करके उन्होंने जैन गणित पर PhD करके डॉक्टर की उपाधि ली है और देश विदेश में धर्म प्रभावना के लिए भी जाते हैं, संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, स्वामी जी के निर्देशन का बराबर पालन करते हैं। ऐसे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। डॉक्टर जीवन प्रकाश और प्रतिष्ठाचार विजय कुमार जी दोनों स्वामी जी के दाएँ बाएँ हाथ हो करके और संस्थान के कार्यों को और संघ के समस्त निर्देशों का पालन करते हुए ज्ञान की आराधना करते हैं, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। एक बात कहती हूँ कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी के चरणों में आज ये दिवस आया, हम सब का भी सौभाग्य है। आचार्य श्री भी बड़े मुस्कुराहट के साथ पूज्य माता के चेहरे को देखे जा रहे थे। इनके जीवन से हमें क्या लेना है ये बात भी जानना है कि यदि आप एक सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह से आपको तपना भी पड़ेगा, तभी एक सूर्य की भांति अपने प्रकाश को निज पर के लिए प्रदान कर सकते हैं। आज के लिए ज्ञानमती माता जी ने आपको एक मैं राज की बात भी बताती हूँ कि आज के दिन ज्ञानमती माता जी ने एक छोटा सा झूठ भी बोला था, है समझे? आज के दिन ज्ञानमती माता ने एक छोटा सा झूठ भी बोला था, अपनी माँ को धोखे से छोड़ करके गई थी और कह के गई थी शाम को आ जाऊंगी, आज तक इनकी वह शाम नहीं हुई। तो मैंने एक गीत लिखा, एक छोटा सा झूठ बोल कर शिव पथ पे चली मैना, एक छोटा सा झूठ बोल कर शिव पथ पे चली मैना, मैं दीक्षा लेने जाऊंगी ये सोच रही मैना, मैं दीक्षा लेने जाऊंगी ये सोच रही मैना। जीवन प्रकाश जी को युवा परिषद की ओर से सुनंदा जी, उनके पति धीरेन्द्र जी और जैन सभा की ओर से अतुल जी, राकेश जी, विनोद जी माला पहना रहे हैं। इस युवक की निरंतर प्रतिभा शक्ति बढ़े और आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर हों। आज योगा योग से इनका तो तारीख से है और पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता के मनोकामना सिद्धि दिवस पर जाओ दे दो स्वामी जी। टिकैत नगर की एक कन्या ने एक दिन अपनी माँ से कहा, एक दिन अपनी माँ से कहा, बाराबंकी जाऊंगी मैं गुरुवर के दर्शन है जहाँ, हाँ गुरुवर के दर्शन है जहाँ, शाम को आने का आश्वासन देकर चल दी बहना, मैं दीक्षा लेकर लेने जाऊंगी ये सोच रही मैना। तो ये सोच करके और वास्तव में इनकी सोच
साकार हो गई और ये पिच्छी लेकर के ही सन 1953 में अपने प्रथम गुरु आचार्य श्री देशभूषण महाराज के संघ के साथ छुल्लिका दीक्षा के रूप में वहाँ पर चातुर्मास करती हैं। आज उसको 69 साल बीत गए, आज 70वां साल पूज्य माता के जीवन में तो मंगलमय हो ही, ये चिरंजीवी और स्वस्थ हों, हम सब के ऊपर अपना वरद हस्त बनाए रखें, यही भगवान पार्श्वनाथ से प्रार्थना और परम पूज्य आचार्य श्री से निवेदन। आज के लिए मंगल उद्बोधन। ॐ ह्रीं श्री कल्पतरुशान्तिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, जन्म और मरण के इस संसार में कुछ आत्माएं जन्म लेकर के स्वयं कल्याण के साथ पर कल्याण भी करती हैं। ये निश्चित है, मोहिनी माँ की यह मनमोहिनी मूरत मैना ने उनकी ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उनने भारत में एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ही कार्य किए हैं। और भाद्र कृष्ण चतुर्थी को ग्रह त्याग किया था, तो चतुर्थी का यह अर्थ है कि इनके जीवन में भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, अब चारों गतियों का इनके जीवन में क्षय हो जाए, इसलिए इन्हें चतुर्थी का त्याग किया था। और भद्र मास था, भाद्रपद मास था, तो इनके परिणामों में और इतनी और अधिक विशुद्धि बढ़े कि वह शुक्ल ध्यानी हो जाएं। और आज उनका ग्रह त्याग का दिवस था, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में 8 द्रव्य कर्मों का शीघ्र त्याग हो जाए और है सिद्धत्व और बुद्धत्व और केवल ज्ञान को ये ज्ञानमती हमारी माँ प्राप्त हों। महान आत्माओं, भगवान महावीर स्वामी के लिए भी इंद्र ने जाके क्या बोला था इंद्रभूति से, चलो किसी भी प्रकार से वह भगवान के पास ले आए, ये युक्ति की थी ना। नेमिनाथ भगवान को बैराग के लिए भी युक्ति की गई थी, तो महाराज जी माता जी ने भी युक्ति से अपनी आत्मसिद्धि आज के दिन कर ली थी। महान शुभ अवसर है, याद रखो महान आत्माओं, वैराग्य का ज्वालामुखी जिसके दिल में स्फुटित हो जाता है उसे संसार में कोई रोक नहीं सकता है, चाहे क्योंकि जब अंतरंग वैराग होता है। और मैं तो ये मानता हूँ माता जी हों या जो भी आज के साधु, इनके जन्म जन्मांतर के ही संस्कार हैं, ऐसे महान वैराग्य का शुभारंभ कहें। और देखिए आंतरिक जब वैराग होता है तो सामने की चीज